हेलो दोस्तों, मुस्तफ़ा जलवेंगन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में मेरे हाउस की टूर करवाने वाला हूँ। कई बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि सर, आपका हाउस मुझे देखना है, बेसमेंट है तो कैसा है वो देखना है, और कुछ ऐसी बातें बताओ हमको जो हमको कनाडा आने से पहले ध्यान रखनी चाहिए। तो गाइज़, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कुछ ऐसी बातें जो आपको ज़रूर से ध्यान रखनी चाहिए। गाइज़, अगर नहीं ध्यान रखोगे तो यहाँ आके पछताओगे, ठीक है? तो ये बातें आप ध्यान रखना। और पहले मैं आपको कराता हूँ मेरे हाउस की टूर, और उसके बाद बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट, ठीक है? चलिए देखिए पहले मेरा हाउस। ओके गाइस, तो हाउस टूर बाहर से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा हाउस है और जो सामने जो रास्ता आपको दिख रहा है वो हमारा मेन रोड है। और गाइस, वहीं पे सामने ही बस स्टॉप भी है, तो यहीं से बस निकलती है, तो बहुत ही कन्वीनियंट है ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी। और ऊपर जो रहते हैं वो हमारे ओनर हैं और नीचे दो टेनेंट रहते हैं। और गाइस, 1 जनवरी से एक रूम अवेलेबल है ऊपर दो गर्ल्स के लिए, ठीक है? तो इंटरेस्टेड हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हाई करना, मैं उसकी डिटेल फ़ोटो वगैरह आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है? और गाइस, जो हमारा फेसबुक ग्रुप है उसमें मैं उसकी डिटेल और फ़ोटो शेयर कर दूंगा। तो जितना हो सके उतना जल्दी आप मुझे कॉन्टेक्ट करना, वरना ये हाउस भी चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गाइस आपको पता है ना कि हाउस रहते ही नहीं है, मिलते भी नहीं है, ठीक है? सो गाइस, फेसबुक ग्रुप और इंस्टाग्राम को फॉलो कर देना, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में रखी हुई है। चाहते हैं आप घर में, सो गाइज़, ये छोटा सा पैसेज हो जो जहाँ से हम घर में एंट्री लेते हैं, ठीक है? तो ये जो राइट साइड दिख रहा है डोर, वो हमारा है। यहाँ से हमको डायरेक्ट हमारे घर में एंट्री मिलती है, ठीक है? और गाइज़, आप इस तरफ जो दूसरा डोर देख रहे हो वो हमारे दूसरे टेनेंट है, जो दूसरे रेंट पे रहते हैं वो लोग हैं। ओके गाइज़, तो अब हम लेते हैं घर में एंट्री और दिखाता हूँ आपको हमारा बेसमेंट। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि हमने इस डोर से घर में एंट्री करी है, ठीक है? तो ये छोटा सा हमारा किचन है, और ये फ्रीज, और ये छोटी सी एक स्पेस है जहाँ पे हम खाना खाते हैं, ठीक है? और ये है कुछ कबोर्ड एंड ड्रॉअर, और नीचे भी कुछ कबोर्ड है, और ये गैस है जो इलेक्ट्रिक है। गाइज, यहाँ के जो हाउस होते हैं उसमें सब प्रोवाइडेड होता है, यानी कि गैस भी होता है, ओवन भी होता है, फ्रिज भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री होती है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सब घर में ऐसा फ्री होगा, मगर हम जो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे हम जो रेंट पे करते हैं उसमें सब कुछ इंक्लूड है, गैस, हाइड्रो, फिर इंटरनेट, ठीक है? और सब कुछ रेंट में ही इंक्लूड होता है, ठीक है गाइज? तो ये किचन है जो आपने मैंने आपको दिखा दिया है। और गाइज, ये प्योर बेसमेंट नहीं है, ये सेमी बेसमेंट है, क्योंकि यहाँ पे विंडो है और विंडो से आप बाहर आराम से सब कुछ देख सकते हो। मैं आपको मॉर्निंग क्लिप में भी दिखाता हूँ, देखिए। देखिए गाइज, यहाँ से आप सारा कुछ बाहर देख सकते हो। और यहाँ ऐसे हाउस लेने का फ़ायदा यही है कि आपको डिप्रेशन नहीं आता है गाइज, आप बाहर देखते हो, आपको अच्छा लगता है। और मैं दूसरी आपको विंडो दिखाता हूँ गाइस, जिसमें आपको बहुत ही अच्छा फील होगा गाइस। और आगे दोस्तों, मैं जो बात करने वाला हूँ इम्पोर्टेंट, वो उसमें एक पॉइंट यही है कि आपको किस तरह का हाउस लेना है, ठीक है? चलिए, वो तो बात करते हैं बाद में, पहले आपको मैं मेरे घर की टूर करवा देता हूँ, फिर बात करते हैं इम्पोर्टेंट। और गाइस, आपको ऐसा लगता होगा कि अभी रात पड़ गई है, मगर ऐसा नहीं है। अभी बजे है 5, ठीक है? मगर विंटर चल रहा है तो टाइम थोड़ा जल्दी जाता है, देखिए, ठीक है? अभी 5 ही बजे है शाम के, और अभी आप बाहर देखोगे तो पूरा अंधेरा हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ ना, पूरा अंधेरा है, तो ठंडी भी है। तो ये है हमारा किचन छोटा सा, और ये, ठीक है? उसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ मेरे रूम में, ठीक है? तो यहाँ से रूम स्टार्ट हो जाता है, और ये बड़ा सा मेरा रूम है, ठीक है? ये किंग साइज़ का बेड है। जो यहाँ पे जो अपार्टमेंट होते हैं ना गाइज, वो मेरे एक फ्रेंड के अपार्टमेंट में गया था, बहुत ही छोटा रूम होता है अपार्टमेंट के, ठीक है? एक किंग साइज़ का बेड भी गाइज उसमें नहीं आ सकता है, उतना छोटा रूम होता है, ठीक है? मेरे किंग साइज़ का बेड आ गया है, यहाँ पे इतनी स्पेस रहती है, और उस तरफ एक टेबल आया है, उतनी स्पेस है, और यहाँ पे बड़ी सी स्पेस है। और गाइज़, ये विंडो देखिए कितनी बड़ी है, और अभी तो रात है। मैं आपको एक दिन का वीडियो दिखाता हूँ, बहुत अच्छा फील होगा। आप मॉर्निंग में उठ के अगर आप बाहर देखते हो 10 मिनट, तो भी आप फ्रेश हो जाओगे। देखिए, तो देखिए गाइज़, मॉर्निंग में अगर आप देखो इस विंडो में से, तो आपको ऐसा दिखेगा बाहर का एटमोसफेयर, नेचर बहुत ही बढ़िया रहता है। लोग यहाँ से जाते हैं, गाड़ियाँ निकलती है, बस निकलती है गाइज़, और
जो मैंने बोला ना आपको पहले कि यहाँ से बस स्टॉप भी है, तो सामने जो आपको दिख रहा है बोर्ड, फिर गाइस मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से आपको दिखेगा। अच्छा तो गाइस देखिए, सामने आपको जो ब्लू कलर का बोर्ड दिख रहा है ना, वहाँ पे रुकती है बस, तो मुझे सिर्फ एक रोड क्रॉस करके यहाँ पे आना होता है। तो गाइस आप भी ऐसा ही हाउस सर्च करना जिससे ट्रांसपोर्टेशन नज़दीक हो। अब मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस है गाइस, यहाँ पे स्नो होती है, ठंड होती है, और प्लस आप जॉब से थक के आए होते हैं, तो लोग क्या करते हैं ना, दूर दूर घर लेते हैं कि बस स्टॉप से उतर के आपको 1 किलोमीटर चलना है, ऐसा घर ढूंढते हैं जिससे वो एकदम से थक जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसा घर मत ढूंढना जो बहुत दूर हो, ट्रांसपोर्टेशन से नज़दीक हो, बस स्टैंड से नज़दीक हो, ऐसा ही आप हाउस सिलेक्ट करना। ठीक है, तो ये बात का आप ध्यान रखना जिससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा गाइस। तो यहाँ पे ऐसा बेसमेंट आप लो गाइज, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप बेसमेंट ले रहे हो तो कोई बात नहीं, मगर प्रॉपर बेसमेंट मत लो, ठीक है। हाँ थोड़ा पैसे कम होते हैं बेसमेंट के, मगर $100-200 ज़्यादा डाल के आप अच्छा सा ऐसा लो सेमी बेसमेंट जिसमें से आप बाहर का कुछ देख सको। मैंने देखे बहुत सारे लोग सेमी बेसमेंट, पूरा टोटल बेसमेंट में रहते हैं, ठीक है। तो उसमें डिप्रेशन की ज़्यादा चांस है आपको आने के, क्योंकि कुछ दिखेगा ही नहीं है, आप एक जेल में बंद हो ऐसा आपको लगेगा। पूरा अंधेरा, पूरा दिन आपको लाइट चालू रखनी पड़ेगी। यहाँ पे हमें सिर्फ शाम को ही लाइट चालू करनी पड़ती है, बाकी ये विंडो में ओपन कर देता हूँ, अच्छी हवा आती है, लाइट भी आती है। तो मेरे एक दो रूम है मेरे पास इस बेसमेंट में, मगर दोनों में से अच्छी सी सनलाइट आती है, ठीक है। तो मुझे डिप्रेशन वगैरह नहीं लगता है, तो ये बेस्ट है। ओके गाइस, तो ये भी आप ध्यान रखना, अगर आप बेसमेंट ले रहे हो तो सेमी बेसमेंट जैसा लो जिससे आप बाहर कुछ देख सको। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरी डॉटर का रूम। तो यार रूम दिखाना है, कम ऑन। चलिए तो रूम दिखाओ सबको। ओके कम ऑन फास्ट, हरी अप। ओके ओके गुड। यस ओके यस ओके। सो गाइज ये मेरी डॉटर का रूम है जो आप देख सकते हो, उसने पूरे टॉय से भरा हुआ रूम है उसका, ठीक है। तो ये है उसका रूम जहाँ पे सिर्फ टॉयज ही है उसके, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और रखना मना है क्योंकि ये उसका रूम है, तो सारे टॉयज उसके है, ठीक है। तो ये पूरा दिन यहाँ पे खेलती है। और गाइज इस रूम में भी विंडो है मगर अभी रात है तो कर्टन डाला हुआ है। मैं आपको दूसरी क्लिप दिखाता हूँ, वेट। देखिए तो यहाँ से आपको इस तरह का बाहर का एटमॉस्फेयर दिखता है गाइस। अगर आप मॉर्निंग में या कभी भी 10 मिनट भी यहाँ पे खड़े हो जाओ ना गाइस, तो भी आपका मूड फ्रेश हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और लास्ट चीज़ मुझे आपको दिखानी है वो है वॉशरूम, जो हमें यहाँ पे ओनली वन वॉशरूम प्रोवाइडेड है, ठीक है। और गाइस ये है वॉश बेसिन, और सामने जो पड़ा है वो मेरी वाइफ का स्टफ है। और ये है बाथटब जहाँ पे हम बात रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह का बाथटब है। ओके तो ये था कुछ हमारा बाथरूम जो बड़ा है, काफ़ी बड़ा है बाथरूम में भी। यहाँ के अगर बेसमेंट में आप बेसमेंट में रह रहे हो तो गाइस बाथरूम में एक विंडो होनी चाहिए और एक एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए। अगर आप भी कहीं पे बेसमेंट ले रहे हो तो ये दो चीज़ देख लेना, ये होनी ही चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये था वॉशरूम। सो गाइस आई होप आपको मेरा हाउस पसंद आया होगा, छोटा है मगर
बहुत ही अच्छा है गाइस, क्योंकि ये बहुत ही वर्थ इट है हमारे लिए, मेरी डॉटर के लिए। अब मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि सारे घर गाइस ऐसे नहीं होते हैं, और आपको जो बात ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर आप एक कीड़ के साथ आ रहे हो तो आपसे पहले उसका ध्यान रखना गाइस। मेरी बात ध्यान से सुनना, और ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ शेयर जरूर करना गाइस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बातें हैं कुछ। सो गाइज, आप एक किड के साथ आ रहे हो तो ध्यान रखना कि आपका हाउस सेमी बेसमेंट हो, जैसा मेरा है, मैंने आपको दिखाया, ठीक है, सेमी बेसमेंट हो, या तो फिर आपका हाउस ऐसा हो जो आप बाहर कुछ देख सको, जिससे क्या होगा, आपको डिप्रेशन नहीं आएगा गाइज। ये बात आप दोनों के लिए है गाइज, ऐसा नहीं है सिर्फ डॉटर के लिए। मैंने देखा है बहुत सारे लोग प्रॉपर बेसमेंट में रहते हैं, तो उससे होता क्या है गाइस, उनको डिप्रेशन आता है। अगर आप सेमी बेसमेंट या अपार्टमेंट में रह रहे हो गाइस, तो आप बाहर का कुछ देख सकोगे, जिससे आपका मन जो है ना थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। अगर प्रॉपर बेसमेंट में रह रहे हो तो आपको बाहर देखने का कुछ मिलेगा ही नहीं गाइस, ठीक है, तो आपको डिप्रेशन ज़्यादा आएगा। दूसरा डिप्रेशन का रीज़न है यहाँ की जॉब्स, जॉब है नहीं, मिल नहीं रही है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप अगर कीड के साथ आ रहे हो तो मेक श्योर करना कि आपका हाउस सेमी बेसमेंट हो, जहाँ से आप बैठे बैठे बाहर का एटमोसफियर, बाहर का नेचर देख सको गाइस, और आपकी डॉटर या आपका जो सन है वो भी वहाँ बैठ के वो बाहर का एंजॉय कर सके, ठीक है, नेचर को। अब बात में ये इसलिए बता रहा हूँ गाइस कि मेरी डॉटर है, उसका आपने रूम देखा ना कितना बड़ा है, और गाइस उसके सारे टॉयज उसके पास है, ठीक है, मैंने सारे टॉयज उसको ला दिए हैं, तो वो पूरा दिन यहाँ पे खेलती है। जब बोर होती है मेरे पास आती है, मैं थोड़ा खेलता हूँ, मगर हम भी गाइस कितना खेलेंगे, ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद हम भी बोर हो जाएंगे, हमको भी कुछ काम रहेगा गाइस, तो हम पूरा दिन तो उसके साथ खेल नहीं सकते हैं। तो मैं भी मेरी डॉटर के साथ खेलता हूँ, उसके बाद वो क्या करती है, जब मुझे कुछ काम होता है तो वो विंडो के सामने चेयर लगा के बैठ जाती है, और उसका स्नैक बाहर का नेचर देखते देखते खाना खा लेती है गाइस। तो आप भी ऐसा ही कुछ हाउस लेना जिससे आपका कीड बोर ना हो जाए, डिप्रेस ना हो जाए, ठीक है गाइस, क्योंकि वो इंडिया में बहुत सारे बच्चों के साथ खेला है, आपका फैमिली होगा, मम्मी पापा चाचा चाची सब लोग होंगे, सबके साथ खेला हुआ कीड है गाइस। यहाँ आके एक कमरे में बंद हो जाएगा ना, तो वो डिप्रेस हो जाएगा। तो बेटर है आप ऐसा हाउस सिलेक्ट करो कि जो उसके लिए बेटर है, आपके लिए नहीं गाइस, उसके लिए बेटर है, ठीक है, अगर आप एक कीड के साथ आ रहे हो। ये तो बात हो गई कीड की। अब दूसरी इम्पोर्टेंट मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि गाइस, अगर आप भी इंडिया से रूम बुक करके आ रहे हो तो ध्यान रखना गाइस, क्योंकि मेरी वाइफ के फ्रेंड के साथ ये प्रॉब्लम हुआ था। वो एज अ गर्ल इंडिया से यहाँ पे आ रही थी कनाडा, ठीक है, वो वहाँ से रूम बुक कर दिया, और जब यहाँ आके उसको पता चला तो ये हुआ कि इस रूम में सारे लड़के थे, यानी कि जो उसका हाउस था ना, यहाँ पे एक हाउस होता है जिसमें 3 4 रूम होते हैं, और उसका रूम अलग था, मगर पूरे घर में वो अकेली एक लड़की थी। तो उसकी ओनर ने वो रूम खाली हुआ था उसको फिलअप करने के लिए वो लड़की को वहाँ डाल दिया, ठीक है, और सारे रूम में लड़के थे। तो लड़के हैं तो ऐसे ही घूमने वाले हैं शॉर्ट्स में, ठीक है, तो ऐसे ही घूमेंगे, तो इसको बहुत ही प्रॉब्लम हुई थी गाइस, और उसने बहुत सारा अमाउंट पे कर दिया था, यानी कि उसने लीज कर दी थी गाइस, यहाँ पे लीज़ करनी होती है 6 मंथ की या जो भी होती है, वो लीज़ कर दी थी गाइस, उसने डिपॉजिट दे दी थी, रेंट दे दिया था, 2 मंथ का रेंट एडवांस ले लिया था उनको। तो गाइस वो ऐसे फंसी हुई थी कि ना निकल सकती थी ना किसी को बता सकती थी, घर पे बताएगी तो वो लोग टेंशन करेंगे, तो उसने कुछ भी नहीं बताया। मेरी वाइफ के वहाँ रुकती थी वो रात रात, ठीक है, और जैसे जैसे करके उसने 1 महीना निकाल दिया, उसके बाद उसने डिपॉजिट जाने दिया, लीज़ पे जो प्रॉब्लम हुआ वो उसने सॉल्व किया, उसके बाद उसको वहाँ से रिलीफ मिली थी गाइस। तो ऐसा इंसिडेंस आपके साथ ना हो वो आप बात ध्यान रखना। एज अ बॉय आप आ रहे हो तो आपको ऐसा प्रॉब्लम होगा तो आप बेयर कर लोगे गाइस, मगर गर्ल्स ऐसा नहीं कर सकती है, ठीक है। तो एज अ गर्ल आप आपकी होम कंट्री से कैनेडा आ रहे हो तो मेक श्योर करना गाइस कि वहाँ पे सारी लड़कियाँ हो, ना कि कोई लड़का हो गाइस, क्योंकि एक लड़का होगा सारी लड़कियां होगी, या ऐसा कुछ फैमिली जैसा होगा तो चल जाएगा, मगर सारे लड़के होंगे और एक रूम में सिर्फ एक लड़की होगी तो उसको एम्बेरस लगेगा, शर्म आएगी, और वो ऐसे उसको मज़ा नहीं आएगा, ठीक है, वो आप भी समझ सकते हो। तो
एज अ गर्ल आप आ रहे हो तो बहुत ध्यान दे के आना, ठीक है, और मेक श्योर करना कि आपके रूम में सिर्फ गर्ल्स ही हो, ओके ये एक एक्सपीरियंस हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये दो बातें थी जो आपसे शेयर करनी थी, और मेरे हाउस का जो टूर था वो आपको दिखाना था। तो गाइज़ एक दूसरी गुड न्यूज़ है जो मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी आपको, कि गाइज़ हमने फेसबुक पे एक पेज बनाया है, ग्रुप बनाया है। ये इसलिए बनाया है गाइज़ कि मैं आपकी सारी कमेंट का रिप्लाई मैं नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैंने ये ग्रुप बनाया है गाइज़, जिसमें और लोग होंगे जो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। एक मैं नहीं, बहुत सारे लोग होंगे जो आपके क्वेश्चन का आंसर तुरंत करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं हूँ, अगर मैं फ्री हूँ तो मैं आपकी हेल्प करूँगा, जो फ्री होगा वो आपकी हेल्प कर देगा, ठीक है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दोनों में मैंने मेरी ये फेसबुक के ग्रुप की लिंक रखी हुई है, आइए फटाफट से फॉलो कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे नई मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।